सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक महाजन एंड आप देख रहे हैं मेरा चैनल जेनरिक टेकी। सो दोस्तों, आप लोगों की बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं अपकमिंग लैपटॉप्स पे, यानी 2020 में जो भी हमारे पास लैपटॉप अपकमिंग है उसमें मैं आपको एक छोटी सी वीडियो बना के दे दूँ। देखो, इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे लैपटॉप्स इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ जो आपको 2020 में देखने को मिल सकते हैं। कब लॉन्च होंगे वो अभी फाइनल डेट मैं आपको नहीं बता सकता, एस्टिमेटेड प्राइस के बारे में बात कर लूँगा थोड़ी थोड़ी किसी किसी लैपटॉप के बारे में, लेकिन हम ज़्यादा डिटेल स्पेसिफिकेशंस में नहीं जाएंगे, आपको एक ओवरऑल पिक्चर ज़रूर मिल जाएगी। बट हाँ, हर एक लैपटॉप पे हमने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि उस वीडियो को आप देख सकते हो तो आपको आई कार्ड पर लिंक मिल जाएगा। तो अगर आप किसी भी लैपटॉप के बारे में डिटेल में देखना चाहो तो आप उसके थ्रू ज़रूर देख सकते हो। बाकी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड आप सबके रिक्वेस्ट के बेसिस पे ये वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड वीडियो को लाइक जरूर करना अगर अच्छी लग जाए। चलिए वीडियो के साथ बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, यहाँ हम बजट सेगमेंट से लेके टॉप तक जाएंगे एंड हर एक लैपटॉप की बात करेंगे, किसी भी लैपटॉप को नहीं छोड़ेंगे जो अभी तक मेरी नॉलेज में है 2020 को अगर मैं देखूँ तो। और सबसे पहला लैपटॉप जिसका मैं भी बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ, एंड अगर आप एक बजट सेगमेंट का लैपटॉप लेने का प्लान कर रहे हो तो इट्स वर्थ वेटिंग फॉर दिस लैपटॉप, एंड द लैपटॉप इज एसर नाइट्रो 5 2020। एंड अगर हम इसकी बात करें तो डिज़ाइन एलिमेंट में तो काफ़ी अच्छा है लैपटॉप, आपको इतने डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलते। बट हाँ, अगर स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो आपको जो है काफ़ी इंप्रेसिव स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलेंगी। इंटेल की 10th जनरेशन के प्रोसेसर्स एंड AMD के राइजन 4000 सीरीज के प्रोसेसर्स देखने को मिलेंगे, इंटेल i7 10th जनरेशन तक, और 3 मिलीसेकंड का आपको रिस्पॉन्स टाइम एंड GeForce यानी NVIDIA GeForce RTX तक के आपको हाई लेवल ग्राफिक्स भी देखने को मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे डोमिनेटिंग स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो कि इंटेल कोर i7 प्रोसेसर 10th जनरेशन और AMD राइजन 400 सीरीज का आपको देखने को मिलेगा। 32GB तक की रैम ऑप्शंस मिलेंगे, M.2 PCIe SSDs, विंडोज 10 होम देखने को मिलेगा, रैम की फ्रीक्वेंसी 2933 MHz वाली होगी। तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस अच्छी होने वाली हैं। डिस्प्लेज में आपको 15.6 और 17.3 दोनों के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, फुल एचडी डिस्प्लेज होंगी एंड 144Hz तक का आपको रिफ्रेश रेट मिल जाएगा विद 3ms रिस्पॉन्स टाइम। तो दोस्तों, आपने देखा ये कुछ हाई लेवल स्पेसिफिकेशंस हैं जो आपको एसर नाइट्रो 5 में देखने को मिल जाएंगी। एंड अगर आप डिटेल में इस लैपटॉप के बारे में देखना चाहते हो, डिटेल्स देखना चाहते हो यानी वेरिएंट वाइज स्पेसिफिकेशंस, तो आपको यहाँ आई कार्ड में लिंक मिल जाएगा, आपको इसकी एक एक डिटेल देखने को मिल जाएगी। मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर चेकआउट करना क्योंकि ये बजट सेगमेंट वालों के लिए सबसे बढ़िया लैपटॉप है जिसके लिए आपको वेट करना चाहिए। अब इसके बाद एक ऐसा लैपटॉप जो काफ़ी अच्छा लैपटॉप है एंड वो है ASUS की तरफ से, एंड द लैपटॉप इज़ ASUS TUF A15। एंड दोस्तों, अगर आप इसका डिज़ाइन ध्यान से देखोगे तो आई एम वेरी वेरी इंप्रेस्ड विद द डिज़ाइन, स्पेशली जो हनीकॉम शेप का इसका बॉटम है आपको डिज़ाइन देखने को मिलता है। सो द ओवरऑल लुक इज़ वेरी वेरी इंप्रेसिव। एंड अगर इसकी खास स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो इसकी खास स्पेसिफिकेशंस में आपको विंडोज 10 प्रो मिलेगा, राइजन 94900H तक का आपको CPU मिलेगा AMD की तरफ से, RTX 2060 तक का GPU देखने को मिलेगा, 3200MHz की DDR4 अप टू 32GB तक रैम देखने को मिलेगी, 1TB SSD मिलेगी, 2 SSD स्लॉट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल पैकेज है ये हर एक टर्म्स में, चाहे GPU की बात कर लो चाहे प्रोसेसर की बात कर लो। डिस्प्लेज में आपको अप टू 144Hz तक का रिफ्रेश रेट मिलेगा, मल्टी मॉनिटर का सपोर्ट देखने को मिलेगा, एंड द गुड थिंग इज़ आपको जो है अडेप्टिव सिंक टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगी, तो ओवरऑल आपको यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एंड जो मैंने मल्टी कनेक्शन की बात की तो यू कैन कनेक्ट एन एक्सटर्नल मॉनिटर फॉर मास्टर लेवल मल्टीटास्किंग वाया USB 3.2 जनरेशन 2 टाइप सी विद जी सिंक एनेबल डिस्प्ले पोर्ट 1.4। तो ये कुछ इसकी खास चीज़ें हैं एंड गाइज, पर्सनली स्पीकिंग ये भी एक अच्छा लैपटॉप है जिसका आपको वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से, एंड इसमें भी आपको डिफरेंट वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं एंड वो सारे वेरिएंट्स जो हैं आपको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करके बताए थे अलग से वीडियो में, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो उसमें ASUS TUF A17 की भी बात की है तो आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, वो आप ज़रूर देखना। उसके बाद अगला लैपटॉप है ASUS A17 यानी ASUS TUF A17, ये भी जो है इसी का भाई है ASUS A15 का, बट इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं जो मैं आपको बताता हूँ। डिज़ाइन में आपको इसमें ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलेंगे, बट अगर हम वही परफॉर्मेंस की बात करें तो आपका राइजन 94900H तक का प्रोसेसर तो होगा, लेकिन आपके जो ग्राफिक्स हैं वो यहाँ पे थोड़ा रिड्यूस है, GTX 1660 Ti तक जाएगा, बाकी सारी चीज़ें आपको ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलने वाली हैं। एंड डिस्प्लेज जो है वहाँ पे 144Hz तक था, यहाँ पे आपको 120Hz तक स्मूथ रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। अगेन
मल्टी मोनिटर का कनेक्शन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, तो बाकी सारी चीजों में आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने वाला। तो ये एक चीज आप नोटिस कर सकते हो कि एसर नाइट्रो 520 एसुस टफ A15, ये दो ऐसे लैपटॉप्स हैं जिनका मैं भी वेट कर रहा हूँ। एंड एसर नाइट्रो 5 जो 2020 है, इट इज वन ऑफ द लैपटॉप जो बजट सेगमेंट में काफी फेमस रहा है। 2018 की बात करें, 19 की बात करें, तो 20 में भी एक्सपेक्टेशंस यही है कि ये 70,000 के अराउंड ही आएगा। अब आप कहोगे क्योंकि पहले तो 50 के अराउंड मिलता था, अब 70 के अराउंड एक्सपेक्टेशंस इसीलिए हैं क्योंकि स्पेसिफिकेशंस बहुत बड़ी हैं एंड राइजन के प्रोसेसर 400 सीरीज के हैं, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि आपको अराउंड 70,000 ही इसके इनिशियल प्राइस देखने को मिल जाएंगे। वही सेम इज द केस विद A15 एज वेल। पढ़ते हैं अगले लैपटॉप की तरफ, हम बात करते हैं आगे सीरीज में हमारे पास कौन सा है। सो दोस्तों, इसके बाद हमारे पास है Acer Predator Helios 500 2020 वेरिएंट। एंड आपको इस लैपटॉप में डिजाइन लेवल ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, इट इज टोटली इंस्पायर्ड फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशंस। बट हाँ, स्पेसिफिकेशंस ऑब्वियसली एज पर 2020 यू विल बी गेटिंग इंटेल कोर 10th जनरेशन प्रोसेसर्स अप टू i7 प्रोसेसर एंड NVIDIA का GeForce RTX के ग्राफिक्स मिलेंगे विद Max-Q डिजाइन। एंड आपको जो है 300 हर्ट्ज तक के रिफ्रेश रेट मिल जाएगा आपके डिस्प्ले में विद 3 मिलीसेकंड रिस्पांस रेट। एंड आप यहां पे देख सकते हो 15.6 इंचेस के फुल HD IPS पैनल्स देखने को मिलेंगे आपको, एंड रिस्पांस रेट की एंड रिफ्रेश रेट की हमने पहले ही बात कर रखी है। सो ये लैपटॉप उन लोगों के लिए है जिनका प्राइस जो है बजट सेगमेंट से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी जो मिड सेगमेंट के गेमिंग लैपटॉप ढूंढते हैं ये उनके लिए आने वाला लैपटॉप है। प्राइसिंग के लिए अभी मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं कुछ लैपटॉप ऐसे हैं जिनके प्राइस एस्टिमेट कर सकता हूँ, बट इसका प्राइस जब तक हमें नहीं आता मैं ज़्यादा इस पर वर्ड्स नहीं दूंगा बिकॉज ये गलत हो सकता है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं आपको मिसलीड करूं। तो इसी थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं, बढ़ते हैं अगले लैपटॉप की तरफ जो आपको 2020 में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है यूज़फुल लैपटॉप्स मैं आपको बता रहा हूँ एंड आपके डिसीजन मेकिंग के प्लान में थोड़ा फ़र्क आ सकता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऑसम कंटेंट आपको मिलता रहेगा, आपकी रिक्वेस्ट जो है वो फुलफ़िल होंगी इस चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ। सो दोस्तों, अगला लैपटॉप, अगेन वी ऑलरेडी कवर्ड दीज लैपटॉप्स इन अ डिफरेंट वीडियो, तो Lenovo Legion 7i एंड 5i। तो ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं दे पाऊंगा आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में, बट आई कैन से दे आर ऑल्सो गेटिंग अपग्रेडेड टू अ नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस। तो आपको यहाँ पे इंटेल कोर एच सीरीज के प्रोसेसर देखने को मिलने वाले हैं 10th जनरेशन एंड AMD Ryzen 400 सीरीज एच सीरीज प्रोसेसर्स, NVIDIA GeForce RTX और GTX ग्राफिक्स डिपेंडिंग अपॉन द वेरियंट्स। डिस्प्लेज की बात की जाए तो आपको यहाँ 240 हर्ट्ज तक के रिफ्रेश रेट के डिस्प्ले देखने को मिलेंगे, 100% sRGB, 100% Adobe RGB के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएंट्स, 1080 पिक्सल के IPS डिस्प्ले देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ये हैं डिटेल्स Lenovo Legion 7i एंड 5i के, एंड ये अपग्रेड्स काफ़ी अच्छे हैं इनमें देखने के लिए। तो बट अगर आपको इनकी भी डिटेल्स देखनी है, एक एक वेरिएंट की इनसाइट्स जाननी है, तो आपको डिटेल्ड वीडियो इसकी भी मिल जाएगी, iCard में आपको लिंक मिल जाएगा, तो मैं चाहूंगा कि आप जरूर चेकआउट करें। अब यहां अगला लैपटॉप आता है MSI की तरफ से एंड द लैपटॉप इज MSI GS66 Stealth। एंड ये लैपटॉप डिज़ाइन वाइज तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, कीबोर्ड आपको जो है फुल व्यू कीबोर्ड नहीं देखने को मिलता, ओवरऑल डिज़ाइन एंड लाइट वेट कैटेगरी का लैपटॉप है। अपग्रेडेशंस की बात करें तो इसमें भी आपको पावर ऑफ 10th जनरेशन इंटेल कोर i9 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी पावरफुल लैपटॉप एज पर 2020, इसमें आपको सारी चीज़ें ही देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद अगर ग्राफिक्स की बात की जाए तो NVIDIA GeForce RTX सुपर सीरीज ग्राफिक्स आपको देखने को मिलेंगे विच इज़ ऑल्सो गुड अप टू 59% फास्टर, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है महंगी सीरीज में, यानी अगर आपका बजट ज़्यादा रहता है गेमिंग सीरीज में तो ये उन लोगों के लिए लैपटॉप होगा। इसकी भी डिटेल्स आपको अलग वीडियो में ज़रूर देखने को मिल जाएंगी, अगेन आप चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पे या आपको iCard में लिंक मिल जाएगा, तो आप इसको भी डिटेल में चेकआउट कर सकते हो। अब इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड 14th इंच कैटेगरी का सबसे पावरफुल लैपटॉप आने वाला है एंड द लैपटॉप इज Asus ROG Zephyrus G14। एंड पर्सनली स्पीकिंग गाइज, आई एम रियली इन लव विद द डिज़ाइन ऑफ दिस पर्टिकुलर लैपटॉप, एंड अगर आप भी इसका डिज़ाइन देखोगे तो आपको एक एक डिटेल्स अच्छी लगेंगी, स्पेशली दिस बैक पैनल जहाँ पे आपको 1215 इंडिविजुअल मिनी LEDs मिलती हैं वेर यू कैन शो योर कस्टम इमेजेस एंड आपकी जो प्लेबैक को भी सिंक करने के लिए यहाँ पे करेक्टर्स प्ले होंगे, तो दिस इज़ वेरी इनोवेटिव एंड इंटरेस्टिंग
एंड इसकी अगर स्पेसिफिकेशंस ओवरऑल मैं बात करूं तो RTX 2060 तक GPU एंड प्रोसेसर जो आपको इसमें देखने को मिलने वाला है अप टू जो 8 कोर AMD Ryzen 94900HS CPU देखने को मिलने वाला है। डिस्प्लेज में आपको हाई रेजोल्यूशन 120 हर्ट्ज के साथ WQHD पैनल्स मिलने वाले हैं एंड देर आर डिफरेंट वेरियंट्स जिसमें आपको वेरिएशंस देखने को मिल सकती है, तो इसकी भी वीडियो आपको डिटेल में मिल जाएगी, आई कार्ड में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप जरूर चेकआउट करना। तो उसके बाद दोस्तों अब सबसे लास्ट में जो यहाँ पे लैपटॉप आता है वो काफ़ी इनोवेटिव, काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी अच्छा लैपटॉप है, लुक वाइज भी, डिज़ाइन वाइज भी एंड ट्रस्ट में प्राइस वाइज भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो द लैपटॉप इज ASUS ROG Zephyrus Duo 15। एज यू कैन सी आपको यहाँ डुअल स्क्रीन देखने को मिलती है एंड जो सेकेंड स्क्रीन है उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, उसको थोड़ा सा टिल्ट इसलिए रखा है ताकि आपकी एयर कूलिंग सिस्टम थोड़ा अच्छे से काम कर सके। एंड टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिकेशन, हाई एंड स्पेसिफिकेशन दैट यू विल बी गेटिंग इन दिस पर्टिकुलर लैपटॉप इज 10th जनरेशन इंटेल कोर i9 CPU NVIDIA GeForce RTX 2080 सुपर GPU एंड आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आप जो है 300 हर्ट्ज 3 मिली सेकेंड रिस्पॉन्स रेट के साथ जाना चाहते हो या 4K डिस्प्ले के साथ जाना चाहते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डिस्प्ले यू आर चूजिंग योर रिफ्रेश रेट मे वेरी एंड अगेन डिफरेंट एक डेडिकेटेड वीडियो है वेर यू कैन गेट द डिटेल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर लैपटॉप एज वेल। 90 वाट आर का आपको बैटरी देखने को मिलेगा एंड द लैपटॉप इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये कुछ लैपटॉप्स हैं जो मैं आपके लिए कंपाइल कर पाया हूँ एंड ये सारे वही लैपटॉप्स हैं जिसमें हमने डेडिकेटेड वीडियोज भी बनाई हैं, बट एक वीडियो में आपको ये सारे बताना बहुत हेल्पफुल रहा इसलिए मैंने सोचा आपके लिए वीडियो बना देता हूँ एंड आपकी भी रिक्वेस्ट आ रही थी तो मैंने सोचा ये वीडियो आपके लिए कंपाइल कर दी जाए। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है एंड अगर आपको लगा है कि एक वीडियो में आपको सारा कंटेंट देखने को मिल गया जो आपको चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड आने वाली वीडियोस और ज़्यादा ऑसम होने वाली हैं, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।